टू एडी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर काम करने वाले हैं और उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, 4B और 6B की पेंसिल की। और आज हम काम करेंगे चारकोल पेंसिल से। चारकोल पेंसिल बेसिकली तीन टाइप की होती हैं, हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। तो चारकोल पेंसिल से वर्क करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज हम बनाएंगे आईज। तो इन दोनों आईज में से मैं लूँगी ये वाली, ये अच्छी है ना, और ये आपकी हार्ड थी और ये सॉफ्ट और ये है मीडियम। तो आज मैं इस आईज को बनाने वाली हूँ। तो पहले हम देख लेंगे कि हमें जो है अपनी आईज कितने साइज की बनानी है। तो उसके लिए आप एक बॉक्स टाइप बना सकते हैं, या जैसे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से निशान लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी शीट होती है उसके बीच में जो आपको वर्क करना है वो आपके बीच में ही रहेगा, आपको पता होगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक बनानी है। तो पहले हम लाइंस देख लेंगे हमारी आईज की कि कहाँ से और कैसे है। जब हम कोई पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी हमें लाइंस का ध्यान रखना होता है, हमें पोर्ट्रेट को ध्यान से देखना होता है और हम देखते हैं कि उसकी लाइन कहाँ से जा रही है। तो इसी तरह से मैं अपनी आईज जो है वो ड्रॉ कर लूँगी पेंसिल से। जो पेंसिल है वो अपनी हल्के हाथों से चलाइए ताकि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो वो ठीक हो जाए। वैसे अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करें कि पेंसिल के साथ इरेजर का प्रयोग आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6B की पेंसिल, और 6B की पेंसिल ना बहुत अच्छी होती है क्योंकि इससे हम डार्क शेड भी दे सकते हैं और लाइट शेड भी दे सकते हैं। जब आप शेड देते हैं तो वो डायरेक्ट एकदम डार्क ना देकर पहले थोड़ी लाइट और फिर डार्क करते रहिए। देखिए जो हिस्सा बिल्कुल वाइट छोड़ना है मैंने वो पहले भी छोड़ दिया था, और ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हम वर्क करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा था कि हम पहले हल्की शेड देंगे और फिर धीरे धीरे हम डार्क शेड देंगे। तो जो हमारी आँख होती है ना, जो भी हम देखते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन हमारी आँख में भी दिखता है, तो उसे दिखाने के लिए मैंने कुछ हिस्सा इसका वाइट रखी है। हम जैसे कि ऊपर वाली आँख में देख रहे होंगे आप, तो मैं इसको मर्ज करने के लिए ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ। ईयरबड का यूज़ जो है वो आपकी आँख को ना एक रियलिस्टिक लुक दे सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम वर्क करेंगे। हमारी जो आँख होती है उसमें पलकों का भी हल्का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, जैसा आपने सांप के फोटो में देखा ही होगा। तो वो भी हमें हल्का सा अपने वॉल्यूम बनाना होगा। ये डार्क था तो मैंने एकदम से ही डार्क ले लिया, और ये मर्ज जब हम करेंगे ना तो ये हल्का लाइट हो जाता है, बहुत हल्का। देखिए रियलिस्टिक जो लुक आता है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो पलक होगी उसकी शेड आने लगेगी। अब ऊपर मैंने 4B की पेंसिल से किया है ये, और पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हल्का फिर डार्क करेंगे। कभी कभी ना हमारी जो ईयरबड होती है उसको मर्ज करते करते उसके इतना चारकोल लग जाता है कि हमें अलग से चारकोल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, हल्की फुल्की शेड हम ईयरबड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए, पहले मैंने यहाँ लाइट किया था फिर लाइट को डार्क किया था। जो जैसे कि अगर आपकी शेड पर पे एकदम से आपने डार्क डाल दी और आपको वहाँ पर हल्की लाइट करनी थी तो आप इरेजर के यूज से उसे हल्का कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो अपना पहले ही ध्यान से शेड करेंगे हम, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। और अगर आप मुझे अपना वर्क भेजना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से भेज सकते हैं, वो मैं आपको बाद में लगा दिखा दूँगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप वीडियो देखना चाहते हैं हम बिल्कुल ठीक आपको वैसी ही वीडियो दिखाएंगे।
देखिए इस तरह से आपको शेड लेनी है और पेंसिल को थोड़ा तिरछा करके भी आप शेड दे सकते हैं, उससे भी बहुत छोटी आपकी शेड आ जाती है। फिंगर से मर्ज कर सकते हैं आप, लेकिन फिंगर से मर्ज करते हुए ये ध्यान रखिए कि कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क ना रह जाए। ये देखिए हमारे यहाँ धीरे धीरे तैयार लगभग होने वाली है। जब हम पलक बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि पलक हमारी एक ही बार में बन जाए, क्योंकि अगर आप बार बार मतलब आधे में से पलक बनाएंगे ना तो वो टूटी फूटी सी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी वो। तो कोशिश करिए कि एक ही बार में आपकी बिल्कुल एकदम अच्छे से शेड हो जाए पलक की, इस तरह से। वैसे चारकोल का जो वर्क होता है उसमें भी ऐसे ही वर्क करते हैं, बस इसमें आपको पेंसिल घिसनी है शीट पे और उसमें आपको घिसे हुए चारकोल का ही यूज करके उसे फैला कर बनानी होगी पेंटिंग। और नीचे वाली पलक का भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि वो ऊपर वाले से नीचे वाली पलक थोड़ी बारीक होती है, तो ध्यान से बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे किसी वाइट पेन का यूज नहीं किया और इस तरह से आप अपनी जो आईज है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये शेड बहुत अच्छी आई है वैसे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पोस्टर कलर का भी वर्क करके दिखाऊं तो आप मुझे जो है कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए।